हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या नॉर्मल डिलीवरी से सीजेरियन डिलीवरी बहुत ही सरल है, क्या सीजर करवाने में हमें पेन नहीं होता है, सीजेरियन और नॉर्मल में क्या अंतर होने वाला है, कौन सी हमारे और हमारे होने वाले बेबी के लिए ज़्यादा लाभप्रद है, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप थोड़ा सा भी ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि क्या सिजेरियन डिलीवरी दर्दनाक होती है। तो इसके आंसर में हम आपको बताएंगे, जी नहीं, सिजेरियन डिलीवरी बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम आपको एनेस्थीसिया दिया गया होता है। हाँ, उसके बाद जो भी दर्द होता है वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने के बाद होता है, वो हम आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाले हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, ये सवाल हम आपको अभी थोड़ी सी देर के बाद बताने वाले हैं। तब तक हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि नॉर्मल और सिजेरियन में बेटर कौन सी है। तो हम आपको बता दें कि नॉर्मल डिलीवरी में एक सर्वे के मुताबिक जो बेबी नॉर्मल डिलीवरी से बॉर्न होते हैं वो बेबी सिजेरियन से बॉर्न बेबीज़ की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं, तथा माँ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है नॉर्मल। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, आपसे अगर हो सके तो आप नॉर्मल ही करने की कोशिश करें। हमारा चौथा सवाल ये है कि सिजेरियन डिलीवरी के कितने दिनों बाद तक हमें रेस्ट करनी चाहिए। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि टाके कटने तक तो हमें टोटली बेड रेस्ट करनी चाहिए, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी रिस्क लेते हैं तो हमारे टाँकों के कटने की संभावना होती है, हमारे टाँके टूटने का डर रहता है। टाँके कटने के बाद आपको 6 मंथ तक कोई भी भारी वजन नहीं उठाना होता है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता है, और अगर बाय द वे आप बाइक से सफ़र करते हैं तो आपको जो सीजर के बाद आपको बेल्ट हॉस्पिटल से अवेलेबल कराई जाती है वो आपको ज़रूर से पहन के रखनी है, वो आपको ज़रूर से बांध के रखनी है, उसे ही बांध के आप सफ़र करें, बाइक से सफ़र करें, तो आपके टाँकों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप सोचते हैं हमारे ऊपर से टाँके काट दिए गए हैं तो ऊपर की लेयर सही हो गई है, तो अंदर से कुछ नहीं है, हमारा सारा सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर भी हमारे टाँके लगे होते हैं, हमारे बेली की 7 लेयर्स होती हैं और 8वीं होती है हमारे बच्चादानी की लेयर, तो टोटली 8 लेयर में टाँके लगे होते हैं, तो हमें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वो लगभग 5 या 6 महीने में भर पाते हैं टाँके। तो अब हम अपने मेन और दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जो हमने अभी छोड़ रखा था कि आगे वीडियो में बताएंगे, तो उसको अब हम बताने वाले हैं कि सिजेरियन डिलीवरी आखिर होती कैसे है। हम आपको पूरा टोटली स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, हम आपको बताएंगे अभी किस प्रकार होती है, टोटली हम आपको पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं। हॉस्पिटल में इंटर से लेके एग्जिट तक हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, अगर आप घर से ही सोच के गए हैं कि हमें सीज़र ही करवानी है तो फिर डॉक्टर कुछ और नहीं सोचता है, लेकिन अगर आप सोच के नहीं गए होते हैं तो डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी और आपकी बॉडी के हिसाब से और बच्चे की सिचुएशन के हिसाब से आपको बताएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सीज़र करना पड़ेगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिजेरियन कैसे होती है। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले बीगो लगा देता है, बीगो लगाने के बाद आपको टॉयलेट के लिए बैग रैप्चर कर दिया जाता है, उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद दोनों हाथों को अलग अलग रख दिया जाता है, ऑपरेशन के लिए जो बेड होता है, हमें जो बेड अवेलेबल कराया जाता है, दोनों हैंड दूर दूर रखने के लिए पहले से ही उसमें बना होता है, तो आपके दोनों हाथ ऐसे दूर रख दिए जाते हैं आपके बॉडी से। इसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद आपसे डॉक्टर पैर सीधे करके और आगे की तरफ झुकने के लिए डॉक्टर बोलता है, तो बेबी बम्प की वजह से आप ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे। डॉक्टर आपकी रीढ़ की हड्डी में बैक बोन में एनेस्थीसिया देता है,
एनेस्थीसिया देने के लगभग 15 से 20 सेकेंड के अंदर आपका ये नेक और ये आर्म, ये हैंड दोनों बस इतना ही वर्क करने वाला है, बाकी आपका पूरे बॉडी पर एनेस्थीसिया का असर हो चुका होता है, आपको कुछ भी अब पता नहीं चलने वाला है। डॉक्टर फिर आपको सीधे लेटने के लिए रिकमेंड करता है, आपके दोनों हाथ स्ट्रेचर पर उस पे दूर रख दिए जाते हैं बेड के किनारे, के बाद आपको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन लगाने के बाद आइज़ में कॉटन रख दिया जाता है, फिर डॉक्टर कट लगाता है, कट लगाने के बाद बेबी को बाहर निकालता है। हाँ, उस टाइम जब बेबी बाहर निकाला जाएगा तो बेबी के रोने की आवाज़ आपको साफ सुनाई देने वाली है, उस टाइम आप चाहें तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को जन्म दिया है या बेबी बॉय को जन्म दिया है, डॉक्टर आपको तो पूरा बताने वाला है। इसके बाद आपके टाके लगाए जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर से ले जाने के बाद आपको आईसीयू में रख देता है डॉक्टर। आईसीयू में जाने के बाद आपको 24 आवर आपको ना कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, पानी भी नहीं मिलने वाला है। उस टाइम पर क्या हालत होती है ये हम आपको बता नहीं सकते हैं। मैं तो अगर अपने टाइम की बात करूं तो मैं ऐसे डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ बस प्लीज़ मुझे बॉटल का जो ढक्कन होता है उसके बस एक ढक्कन भर पानी हमको दे दो। तो खैर डॉक्टर अच्छी थी, डॉक्टर ने हमें 2 से 3 बार 24 आवर के बीच में हमें 2 से 3 बार बस वही छोटा सा जो बिस्लेरी बॉटल का जो कैप होता है उसके कैप भर पानी, हमको 3 कैप पानी मिला था पूरे 24 आवर के बीच में। तो आप समझ लीजिए आपकी क्या हालत होने वाली है। फिर आईसीयू से निकालने के बाद आपको जनरल वार्ड में रख दिया जाता है, वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है, आप जनरल वार्ड में रहना चाहते हैं या प्राइवेट रूम में रहना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बाद से आपको मेडिसिंस वगैरह दी जाने लगती हैं ताकि आपके टाँके जल्दी से सूख जाएँ और जल्दी से आप चल सकें, जल्दी से आप अच्छे हो जाएँ। तो उस टाइम पे ये मान लीजिए आपको सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, कुछ खास खाने को नहीं मिलता है, वही पतला सा दलिया आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, मूंग की दाल खाने के लिए बोलता है, हल्की फुल्की आप कॉफ़ी चाय उसमें से बिस्किट बस यही सब खाने के लिए बोलता है, और ये सब खाने के साथ में आपको ढेर सारी दवाइयाँ खानी होती हैं। तो आप सोच लीजिए आपकी क्या हालत होने वाली है। उसके बाद ये मान लो सीज़र जिनकी होती है ना, वो अपने हफ्तों तक अपने बेबी को भी अपनी गोद में लेने के लिए तरस जाते हैं, आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं, आप अपने बेबी को गोद नहीं ले सकते हैं, सोचिए कैसा लगता होगा उस टाइम। खैर तो मुझे नहीं लगता कि अब मैंने कुछ भी छोड़ा है इस वीडियो में, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन ही हॉस्पिटल में रहना होता है, 5 से 6-7 दिन वो भी हो सकते हैं, लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, आप घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद आपको वापस से ड्रेसिंग के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद टाके काटे जाते हैं। ये सारा हमने आपको पहले ही वीडियो बना के समझा दिया है, वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, हमने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, टाके कैसे काटे जाते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया है उसमें। तो आज का वीडियो बस हम यहीं से समाप्त करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।